बैठेला अच्छा कुत्ता जब ठंडी में के लगे एक सिकुड़ जाला सन त के आवाज को निकले निकलेला ठंडिया में ई धीरेंद्र पटेल जी बदी धीरेंद्र जी बोका बाबा अच्छा बोका के हाँ बोका के अब देखी तो भाई जोन छुट्टा बोका घुमाता रहता थोड़ा हमरो किया चला है कोनो बात ना को सुनाई तो लड़ाई के पोजीशन में कुत्ता बा देखी लड़ाई के पोजीशन में कुत्ता पहुंच चुकल बा देखी बछड़ा के आवाज बछड़ा के आवाज गाय के बछड़ा हई जी चलिए गाय के बछड़ा हई आइसक्रीम उसक्रीम बेचत रह तो लैका को ऐसा पहले बोला तब खरीद जी मतलब आइसक्रीमो बेचत नहीं जी साइकिल पर घुमा के हाँ काफी संघर्ष कैले बानी जी नमस्कार हम बनी अमरजीत कुमार गिरी रहुआ देखा तनी भोजपुरिया झकोरा लगातार हमने के बनल बनी सन रहुआ सबके बता दी कि आज हमरा साथ में बनी धुरेंद्र पटेल जी और धुरेंद्र पटेल जी कुत्ता के बकरा के मुर्गी के गाय के बछड़ा के गधा के कौआ के तमाम तरह के आवाज निकाले नहीं और आज धुरेंद्र पटेल जी भोजपुरिया झकोरा के माध्यम से पूरा देश और दुनिया के बताए कि एगो व्यक्ति के पास में कितना टैलेंट बा और कैसे सीखले बनी कहाँ से ये सब ज्ञान आयल बा तमाम बातचीत करें धुरेंद्र पटेल जी से। धुरेंद्र जी का समाचार बा? बढ़िया बा। ठीक बने रहुआ जी का करे नी सबसे पहले ही बताएं राजमिस्त्री काम करनी राजमिस्त्री है जी। अच्छा तो ये जो आवाज निकाले नी रहुआ बड़ा रहा और वीडियो वायरल होता है कुत्ता के गधा के बिलाई के भैंस के का चीज रहुआ आवाज निकाले नी मैंने कहाँ से सीखले बनी कला कहाँ से मतलब उकर आवाज सुन सुन के और डबलिंग करत करत मतलब थोड़ा हमरा अभ्यास हो गई। अच्छा मैंने जरा गाड़ी नहीं के चलावे के हो तो गाड़ी चलावे के सीखता क्योंकि खाना बनाओ खाना बनाओ के सीखता हमने के माइक लेके कुल सीखता नहीं सुन रहुआ ये सब जानवर के आवाज निकाल के सीखता नहीं जी हम यही के प्रैक्टिस करते नहीं यही के प्रैक्टिस करते नहीं कितना साल से प्रैक्टिस करते नहीं लगभग हो गए 25-30 साल है मैंने 25-30 साल से हाँ बचपने से मतलब हम थोड़ा बोलत बोलत मैंने ये बरल है 25-30 साल से प्रैक्टिस करता नहीं जी जी जीव जंतु के आवाज निकाले के जी धुरेंद्र पटेल जी जी तो आज शुरुआत कर लिया होनी के ठीक बा चलिए तो सुनाई एक एक करके सबसे पहले कौआ के वाह वाह बहुत सुंदर कौआ के आवाज सबके सुननी घोड़ा के आवाज जी हाँ घोड़ा के आवाज धीरेंद्र पटेल जी घोड़ा के आवाज वाह 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 ये घोड़ा के आवाज रहा एक बात से गधा के आवाज रुआ सब सुनी कि गधा कैसे बोलेला जी हाँ 25 साल से प्रैक्टिस करता नहीं धीरेंद्र पटेल जी 25-30 साल से प्रैक्टिस के बाद गधा के आवाज कैसे निकल जला ये धीरेंद्र पटेल जी बताएं जी धीरेंद्र जी मजा सही में मजा आ गया कुत्ता के सबसे छोटा बच्चा के जो ठंड के मौसम में
आवाज निकाल सन आ ठंड से एक में एक सिकुड़ के बैठल। अच्छा, कुत्ता जब ठंडी में एक के लगे एक सिकुड़ जाल सन तक आवाज को निकले ठंडिया में। ये धीरेन्द्र पटेल जी बदी, धीरेन्द्र जी कलाकारी बारे वाले। अच्छा, बड़का कुकुर के हब? बड़ा कुत्ता माने लड़ाई के पोजीशन में। लड़ाई के पोजीशन में कुत्ता बा? देखी लड़ाई के पोजीशन में कुत्ता पहुंच चुकल बा। देखी अरे बाप रे बाप, सही में लड़ाई के पोजीशन में लड़ाई के पोजीशन में कुत्ता सबके सही में ये अंदाज रहेला। हाँ, एक और कौन आवाज बानो कुत्ता के? एगो आवाज बा जो उनके अशुभ लोग मानेला, रात में रोवे लसन तो। हाँ, रात में रोवे लसन तो अशुभ मान लो। चलिए वो सुना दे। यही आवाज पर लोग घर से बाहर निकले ला, ओकरा बड़ डंडा या पत्थर से वार करला कि मार के भगावला कि काहे रोता। तो वह जब ओकरा पर देह पर जब पड़े ला पत्थर या डंडा तो वो अपन दुम दबा के भागेला वजह से आवाज बा। हाँ, जी आवाज बा। हाँ, देखी। तो जैसे मार पड़ल ओकरा देह पर तो हमारा तो बड़ा मजा होता है वीडियो को शूट करे में। और कौन बाकी रह गए बा? बाकी कौन रह गए बा? आए बकरा, बकरा। अच्छा, अब हमने के चलते नहीं बकरा के, और बकरा के कई गो वैरायटी बा देखल जाओ। बकरा के कई गो वैरायटी बा? बकरा के तभी साइकिल या मोटरसाइकिल से ओकनी के देह पर जब चढ़ जाला एक्सीडेंट हो जाला ओकनी के बकर बकर देह पर। जी, तब एक बाइक शानदार शानदार लाजवाब लाजवाब राजा बोका बाबा। बोका बाबा? अच्छा, बोका के? हाँ, बोका के। अब देखी तो भाई जौन छुट्टा बोका घुमाता रहता बोका के तो हो गल अल्टीमेटली। अच्छा, अब कौन बाकी रहता है? थक गल हार गल तो आराम कली, आराम कली, आराम से चले दी वीडियो। तो चलिए अब हमने के रिकॉर्ड करब सन मुर्गा के आवाज। जी हाँ, वह मुर्गा जो आवता है घरी। चलिए, हाँ बाप रे, बड़ा प्रेशर बनावत बन। तो देखी कि अनुभव के बात पर, मतलब कि 25-30 साल के अनुभव बा, और वो 25-30 साल के अनुभव के माध्यम से मतलब कि प्रैक्टिस कैले बानी और अनुभव बाटे एक के चलते कहीं ना कहीं वो जो सुर बा जौना ओकनी के मन के प्रारंभिक वेग होला जौन कल इनिशियल वेलोसिटी होला वही वेलोसिटी से वही वेग से यहाँ के मतलब कि प्रैक्टिस कैले बानी और बतावे के प्रयास करते कि कैसे मतलब कि शुरुआत होला और मन कब कहाँ प्रेशर लगे के चाहिए, कब कहाँ धुन बदल मतलब कि आवाज़ ऊंचा होके के चाहिए, कब इतने बड़ा गहनता से प्रैक्टिस कर ले बने। जी,
एगो बछड़ा के बा बछड़ा के बा चल बछड़ा के हो जाओ बछड़ा के बा बछड़ा के आवाज गाय के बछड़ा होई जी चल गाय के बछड़ा होई बड़ा अच्छा लागल धीरेन्द्र जी। तो चलिए एगो छोट बच्चा के भी आवाज हमने के रिकॉर्ड कर लेते निशन जी। धीरेन्द्र जी रोते रोते सांस पकड़ लेता है। उसके बाद रोते रोते उसके मुंह में अंगूठा चल जाता है। बड़ा बढ़िया इंटरटेनमेंट भइल। बहुत सुंदर धीरेन्द्र पटेल जी। मतलब कि ई माने का काहे खातिर सिखले बानी, मतलब एकर उद्देश्य का बा? ई पहले छोटा छोटा बच्चा लोग हमको तंग करता था कि तूने मनोरंजन माने बोलिए बोलिए, तो वही सिर्फ इन सबको मनोरंजन कराते हैं, बोलते हैं, सब हंसता है सब। मनोरंजन करे खातिर 30 साल से वो प्रैक्टिस कर ले रखले बानी जी। मनोरंजन करे खातिर जी पहले आइसक्रीम उसक्रीम बेचत रहनी है, तो लड़का को ऐसा पहले बोलो तब खर दे जी। मतलब आइसक्रीम पे चढ़ता नहीं जी, साइकिल पे घुमा के। हाँ काफी संघर्ष कर ले जी। तब अब राजमिस्त्री काम करनी अब वही से परवरिश चल रहा। राजमिस्त्री काम जी। बाल बच्चा बालो जी कितना बाल बच्चा? 5 लड़की 1 लड़का। लड़की 5 को भगवान दिले बड़ा बेटा बेटा ही होगा जी। चलिए कोनो बात ना। तो देख सकता नहीं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अलग अलग कलाकार